तो व्हाट्सअप गाइस, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट करना सिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं केवल लाइटरूम ऐप की मदद से। तो जो भी भाई इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा वो भी लाइटरूम ऐप का यूज करके कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट कर लेगा। और मैं 110% लिख के देता हूँ कि वीडियो के लास्ट में आप भी सेम ऐसा फोटो को एडिट कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप फोटो को एडिट नहीं कर पाएंगे। और वीडियो के एंड में आपका भाई कुछ इस टाइप की फोटो को वन क्लिक में भी एडिट करना सिखा देगा। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, उससे पहले आप अपने गैलरी से ओरिजिनल फोटो को ले लीजिएगा। और लेने के बाद इसकी शेयर के आइकन पे क्लिक करके और इस वाली फोटो को लाइटरूम के अंदर शेयर कर देंगे। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूं, वहां पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूं। तो व्हाट्सअप गाइस, जैसे ही आप लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से ऑल फोटोज के आइकन पर क्लिक करके आप अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसे आपको एडिट करना है। तो गाइस, इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले हैं और आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बताने वाला है। और वीडियो के एंड में आपका भाई वन क्लिक में भी एडिटिंग सिखा देगा। तो सबसे पहले वाले स्टेप में गाइस हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे साइड में स्क्रॉल करेंगे और कर लेने के बाद सबसे पहले हम इसकी कलर्स वाले आइकन पे ऐसे क्लिक कर देंगे। देन दोस्तों, क्लिक कर लेने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा तभी आप फोटो को एडिट कर पाएंगे। सबसे पहले इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करके प्लस साइड में यहाँ पे 30% कर लेंगे। देन दोस्तों, इसकी टिंट की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 10% कर लेंगे। और इसकी टेम्प की वैल्यू डिक्रीज करके इसे हम लोग माइनस साइड में 10% कर लेंगे। और टिंट की वैल्यू प्लस साइड में 10% कर लेंगे और वाइब्रेंस को 30% कर लेंगे। और ये आप सारी सेटिंग अच्छे तरीके से देखिएगा तभी आप फोटो को एडिट कर पाएंगे। और ये सेटिंग कर लेने के बाद आप लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऊपर साइड में कोने में ना मिक्स टूल के आइकन पे ऐसे क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने ढेरों सारे कलर्स नजर आएंगे। और इन्हीं कलर का यूज करके आपका भाई टोन को क्रिएट करना बताने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। सबसे पहले ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे और कर लेने के बाद इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 60% कर देंगे। सेचुएशन की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 100% कर देंगे। ह्यू की वैल्यू भी इंक्रीज करके प्लस साइड में 49% कर लेंगे। और ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद ना आपको सिंपल से येलो कलर को सिलेक्ट करना होगा। और इसकी ह्यू की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करके पूरा यहाँ पे 100% कर देंगे। सेचुएशन की वैल्यू भी इंक्रीज करके इसे भी 100% कर देंगे। और ये सारी सेटिंग आप जैसे ही कीजिएगा तो आपका पूरा बैकग्राउंड ग्रीन टोन में कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल से गाइस। इसके बाद आपको ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके इसकी सेचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -30 करके ल्यूमिनेंस की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 21% करके और डन क्लिक कर दीजिएगा। और डन क्लिक कर लेने के बाद आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो आपका भाई जो भी स्टेप बता रहा है केवल आप उसे फॉलो कीजिएगा, नहीं तो फोटो को एडिट नहीं कर पाएंगे। ये सेटिंग कर लेने के बाद आप लोग को मिक्स टूल के बगल में ग्रेडिंग के आइकन पे ऐसे क्लिक करना होगा। और कर लेने के बाद सिंपल से ऐसे स्क्रॉल करके हम लोग हाईलाइट वाले सेक्शन में आ जाएंगे और अपने फिंगर से पकड़ के कुछ इस टाइप से हम लोग घसीट के इसे ब्लू साइड में कर देंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, इसकी ब्लेंडिंग की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 69% कर लेंगे। बैलेंस को भी इंक्रीज करके प्लस साइड में 38% करके और ऊपर साइड में आके डन क्लिक कर देंगे। और डन क्लिक कर लेने के बाद पूरी फोटो हम लोग का कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, हम लोग का पहला स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद सिंपल से गाइस हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट वाले आइकन पे ऐसे क्लिक करेंगे और सिंपली इसकी विग्नेट की वैल्यू हम लोग ऐसे कम करके इसे माइनस साइड में 26% कर देंगे। टेक्सचर की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 10% कर लेंगे। क्लियरिटी की वैल्यू भी इंक्रीज करके प्लस साइड में 10% कर देंगे। डीआईएस की वैल्यू भी इंक्रीज करके प्लस साइड में 10% कर देंगे। और ये सारी सेटिंग आप जैसे ही कीजिएगा तो आपका दो स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, हम लोग का दो स्टेप तो कंप्लीट हो चुका और वीडियो के एंड में आपको भाई वन क्लिक में भी एडिटिंग सिखाने वाला है। उससे पहले गाइस आप डिटेल्स के आइकन पे जाके शार्पनिंग की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 31% कर लीजिएगा। मास्किंग की वैल्यू इंक्रीज करके 50% कर लीजिएगा। नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके 15% और इसकी कलर्स में रिडक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करके 19% करके स्क्रॉल करके नीचे आके स्मूथनेस की वैल्यू 100% कर दीजिएगा जिससे आपका स्किन स्मूथ हो जाएगा। और ये सारी सेटिंग करते ही आल्टो वाला आपकी पूरी फोटो ना एडिट होके आ जाएगी, जो देखने में काफी ऑसम एंड फारसी दिख रही है। और मैंने इस वाली फोटो का प्रीसेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहां से प्रीसेट को डाउनलोड करके आप वन क्लिक में एडिटिंग कर सकते हैं। और फोटो को सेव करने के लिए शेयर के आइकन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।